हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएल सोशल एकेडमी। आज अपन 8th क्लास का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है और मैं कहूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आपने जो इस फर्स्ट पार्ट में ख़त्म करके छोड़ा था वो था सॉइल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। अब अपन देखेंगे, मैंने बोला था कि सॉइल कभी ना कभी क्या होती है, चेंज होती है ड्यू टू नेचुरल और मैनमेड प्रोसेस, ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन प्रोसेस, अपनी वजह से भी या नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस कौन सी हो गई, सॉइल इरोजन बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, फ्लड बताया था, है ना। अपनी वजह से कौन सा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, पेड़ों को काट देना, ये अपनी वजह से हुआ, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे कि सॉइल को अगर आपने इतना तरीके से, मतलब आपने यूज कर लिया है, तो उसको वापिस से कंजर्व कैसे करोगे। तो किसी पर्टिकुलर एरिया की सॉइल को कंजर्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, क्वेश्चन में, पेपर में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अभी ले लो या हायर क्लासेस में ले लो, कंपटीशन लेवल पे भी आते हैं इससे तो पेपर में। तो अपन बोलेंगे सॉइल कंजर्वेशन के कौन कौन से फैक्टर हैं, सॉइल कंजर्वेशन किस किस तरीके से हो सकता है। तो पहला अपन देखेंगे मल्चिंग। मल्चिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें सॉइल है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, उस पर आप क्या करते हो, घास डाल देते हो, या फिर मैं बोलूँ ड्राई स्टॉक्स डाल देते हो। ड्राई लीव्स को डालोगे, ड्राई स्टॉक्स को डालोगे, तो ड्राई जो मतलब लीव्स होती है, टहनियाँ होती है, लकड़ियाँ होती है, ड्राई स्टेम्स होती है, वो क्या करेंगी किसी पर्टिकुलर एरिया की सॉइल को वहीं पर रहने देगी। ये होती मल्चिंग। कोई पर्टिकुलर एरिया है, उस पर पर्टिकुलर लैंड सॉइल है, उस पर आपने अगर ड्राई सॉइल उसको लीव्स को डाल दिया, ये मल्चिंग हो गया। सेकेंड देखेंगे कंटूप्लाइंग, ठीक है ना। सेकेंड है कंटूप्लाइंग। कंटूप्लाइंग में क्या होता है, सबसे पहले चीज मैंने यूँ बोला, कंटूर्स में आप क्या करेंगे, एग्रीकल्चर क्रॉपिंग करेंगे, और जहाँ पर आपने ये चेंजेस करा है, जहाँ पर आपने कंटूर पैरेलल लगाया है, उसके पीछे आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ से अगर कोई फ्लड आई, यहाँ से कोई हवा आई, तो यहाँ पर जो आपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करी उससे कोई उस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बैरियर का काम कर जाएगा, ठीक है ना। और इसी में कंटूर प्लफिंग में क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं आसपास, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सॉइल को कंजर्व करके रखता है। कंट्रोल प्लेइंग समझ में आया। तीसरा पॉइंट इंटरक्रॉपिंग। कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उधर उसमें क्या करो, आप पहले यहाँ पर अलग टाइप की क्रॉप का प्रोडक्शन करवाओ, फिर दूसरे वाले में अलग टाइप की क्रॉप का प्रोडक्शन कराओ, फिर इधर भी अलग टाइप का करा लो, इस टाइप से वापस से फिर वो रिपीट कर दो। मतलब पर्टिकुलर एरिया में एक टाइप की क्रॉप होगी, फिर उसके बाद में अलग टाइप की क्रॉप होगी, फिर उसके बाद में अलग टाइप की क्रॉप होगी, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरक्रॉपिंग। आपने इंटरक्रॉपिंग करी, क्रॉप का बहुत ज़्यादा, क्रॉप का मिक्सिंग ऑफ प्रोडक्शन करवाया, ठीक है ना। उसके बाद में अपन देखेंगे चौथा है रॉक डैम। भाई ये एरिया है, मैं इसको रब कर दूँ, ये एरिया यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड है बड़ी सी, है ना, तो यहाँ पर क्या करो, रॉक डैम बना दो। रॉक डैम मतलब पत्थरों से क्या कर दो, एक बैरियर क्रिएट कर दो, डैम बना दो, तो यहाँ पर आने वाला जो पानी है, तेज हवाएं हैं, वो सॉइल को अफेक्ट यहाँ की नहीं करेगी। भले ही एग्रीकल्चर फील्ड भी हो सकता है, भले ये नॉर्मल फील्ड भी हो सकता है, ये रॉक डैम हो गया। इसके बाद में कंटूर बैरियर्स। कंटूर बैरियर्स कुछ भी नहीं है, कंटूर बैरियर्स, अच्छा टेरेस फॉर्मिंग छूट गया, लास्ट में बता दूंगा। कंटूर बैरियर्स में क्या होगा बच्चों, कंटूर बैरियर्स में अपन क्या करेंगे, देखना, कंट्रू प्लेइंग अलग था और कंट्रू बैरियर्स अलग। कंट्रू प्लेइंग में आपने क्या करा था, चारों तरफ आसपास पेड़ भी उगाए थे, लेकिन आपने क्या, यहाँ पे क्या करोगे, एक पर्टिकुलर यहाँ पर क्रॉप हो रही है, यहाँ पर आपने क्या करा, बैरियर लगा दिया, आपने जाली का बैरियर लगाया, आपने क्या करा, भले लकड़ियाँ गाड़ के यहाँ पर बैरियर लगा दिया, ये कंट्रू बैरियर। फिर यहाँ पर क्रॉपिंग करो, भले सेम टाइप की क्रॉप हो सकती है, अगर अलग अलग टाइप की क्रॉप होगी तो वो इंटरक्रॉपिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बैरियर भी यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको कंट्रू बैरियर बोलेंगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, तो अपना कंट्रोल बैरियर, मल्चिंग, कंट्रोल प्लफिंग, है ना, इंटरक्रॉपिंग, अपना रॉक डैम हो गया। अब टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग ये मेनली हिली एरियाज में होती है, हिली एरियाज में, क्यों, क्योंकि हाई लेवल से पानी आएगा तो वो बह के निकल जाएगा, तो यहाँ हिली एरियाज में क्या करते हैं अपन लोग, क्या करेंगे, टेरेस फार्मिंग करेंगे, ठीक है, ये इस टाइप से। तो पानी आएगा तो एकदम स्पीड में नहीं जाएगा, यहाँ रुकेगा, फिर पानी आएगा, फिर रुकेगा, फिर पानी आएगा, रुकेगा, फिर पानी आएगा, रुकेगा, तो पानी यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में मिल भी जाएगा, फील्ड नहीं बोल सकते, एग्रीकल्चर एरिया में पानी यहाँ पर सफिशिएंट मात्रा अमाउंट में मिल भी जाएगा, और यहाँ पर पानी से सॉइल का इरोजन भी नहीं होगा, सॉइल का कंजर्वेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा इससे। ये सारी प्रोसेस अच्छे से लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं बोलूँ वाटर। बचपन से देख रहे हैं भाई वाटर रिसोर्स, पूरी दुनिया में 2/3 पे कितना वाटर, कि 2/3 पे क्या कवर्ड है,
वाटर कवर्ड है। लेकिन जानकर हैरानी होगी कि 70% वाटर कवर है, लगभग लगभग कितना 70% है ना। और इस 70% में आप जो पानी यूज़ कर सकते हो वो सिर्फ 2.3% ही है। कितना 2.7% ही पानी आप यूज़ कर सकते हो। सोचिए पूरी दुनिया में 7 अरब के आसपास, 700 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है और वो सिर्फ इतना पानी यूज़ करके अपना सर्वाइव कर रही है। तो फिर अपन को इतनी ज़्यादा नीड क्यों करते हैं, अपन लोग अपन इतना ज़्यादा यूज़ क्यों करते हैं, आप इस चीज़ को थिंक करिएगा, सोचिएगा अच्छे से, ठीक है ना। तो कितना पानी यूजेबल है, सिर्फ और सिर्फ 2.7%, है ना। अब मैं बोलूँ कि इतना ज़्यादा आप यूज़ करते हो इंडस्ट्रीज़ की वजह से, आप क्या कर रहे हो, आप केमिकल्स को डाले जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पानी का पानी को वेस्ट कर रहे हो, कंटामिनेट कर रहे हो, पानी को क्या कर रहे हो, गंदा करे जा रहे हो। तो पानी को भी कंजर्व करने के कारण होंगे कुछ, पानी को भी कंजर्व करने के तरीके होंगे। तो वाटर कंजर्वेशन जो है वो किस किस तरीके से हो सकता है, एफॉरेस्टेशन करो, आप क्या करो पेड़ों को लगाओ वापस से, जिस वजह से वापस से वाटर साइकिल रिगेन होगी, वापस से वाटर साइकिल आएगी, ठीक है ना, वापस से वाटर साइकिल में इम्प्रूवमेंट आएगा। दूसरी चीज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, जो पानी आपको बरसात से मिल रहा है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। जैसे आपने टेरेस में देखा होगा और आपने क्या करा होगा, डीप होल्स करे होंगे, 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास में भी साइंस में पढ़ोगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करते हैं, पानी को जो क्या करते हो, छत पे आप क्या करते हो, स्टोर करते हो, या फिर नीचे आपके घर के साइड में क्या करते हो, छोटा सा पूल बनाते हो और वहाँ पे वाटर को स्टोर करते हो। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी स्टोर करो। दूसरी चीज़ ड्रिप इरीगेशन, ये कहाँ से डिस्कवर हुआ, इसराइल वाले एरिया से कवर हुआ डिस्कवर, क्योंकि यहाँ पर इतनी पानी गिरता नहीं था, यहाँ पर पानी बहुत कम अमाउंट में था। तो ड्रिप इरीगेशन में क्या होता है, पानी भेजा पाइप्स के थ्रू, है ना। अभी पेड़ है, छोटा सा प्लांट है, यहाँ पानी आया, अब ये पानी क्या करता है, यहाँ पे छोटा सा छेद होता है तो ड्रिप इरीगेशन करता है, जड़ों में थोड़ा थोड़ा सा पानी गिराता है। तो जितना पानी चाहिए उतना ही भेजो, ये ड्रिप इरीगेशन। उसके बाद स्प्रिंकलर सिस्टम आपने देखा होगा फील्ड वाले एरिया में, है ना। पानी को एकदम सफिशेंट अमाउंट में पानी एकदम पाइप्स के थ्रू फेंक मत दो, आप क्या करो स्प्रिंकलर सिस्टम ना, अब ये घूमते जाते हैं और फव्वारे जाते हैं, तो यहाँ पे जो पत्तियाँ जो होती है पेड़ों की, दो तरफ से पानी जाता है, या तो लीफ से या रूट से। अब यहाँ से क्या आएगा, लीफ से भी जाएगा और नीचे जाएगा तो रूट से भी जाएगा। तो ये हो गया स्प्रिंकलर सिस्टम, ये हो गया पूरा वाटर रिसोर्सेज और उसका कंजर्वेशन। लैंड रिसोर्स उसका कंजर्वेशन देख लिया, सॉइल का कंजर्वेशन देख लिया, सॉइल कैसे बनती है वो देख लिया, सॉइल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर देख लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अब अपन आगे देखेंगे नेचुरल वेजिटेशन। आपने लोअर क्लास में दो चीज़ देखी हैं, एक होता है बायोस्फीयर और एक होता है इकोसिस्टम। अब देखिएगा बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर मालूम है, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर, ये वाली जो जोन है ये बायोस्फीयर होगी, है ना। इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, है ना। जहाँ पर लिथोस्फीयर भी होता है, जहाँ पर हाइड्रोस्फीयर भी होता है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर भी होता है, तीनों का जहाँ लिंकेज होता है, हाँ, तीनों जहाँ पर मिल रहे होते हैं वहाँ क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। इकोसिस्टम क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट एंड लिविंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स टुगेदर, ठीक है ना। यहां पे क्लियर हुआ इकोसिस्टम क्या होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट का कॉम्बिनेशन, और वहां पर क्या करते हैं, ये दोनों ये जब क्या करते हैं, एक दूसरे को कॉम्बिनेशन बना के पर्टिकुलर सर्वाइव करते हैं, ये इकोसिस्टम बन जाता है कि हाँ भाई बायोटिक कंपोनेंट भी है और अबायोटिक कंपोनेंट भी, हम दोनों कॉम्बिनेशन बना के रह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इकोसिस्टम बन जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई। अब एक और चीज़, समय के साथ वापस से इनको ख़त्म करा गया है, नेचुरल वाइल्ड लाइफ को, पेड़ों को काटा गया है, नेचुरल वेजिटेशन को ख़त्म किया है। नेचुरल वेजिटेशन में दो चीज़ आती है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा प्लांट से कंसिस्ट करते हैं और फौना एनिमल, फ्लो मतलब प्लांट, एल आ गया ना, फ्लोरा प्लांट से और फोना एनिमल से, ठीक है ना। नेचुरल वेजिटेशन में दो चीज़ होती है, तो बायोस्फीयर समझ में आया, इकोसिस्टम समझ में आया। अब फ्लोरा और फोना को कैसे बचाया जाए, तो इसके लिए क्या करा जाएगा, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती है, ठीक है ना। ठीक है, इसके लिए क्या करा जाता है, कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं जो कि कंजर्व करते हैं। तो ये पूरा चैप्टर हुआ, इस चैप्टर के पर्टिकुलर नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।